इश्क का बंटवारा रजामंदी से हुआ, चमक उन्होंने बटोरी, तड़प हम ले आए। हे गाइस, इन लाइनों के साथ शुरुआत करेंगे रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर, अपने एक्स से अनब्लॉक कैसे हों। जिसको हम दिलो जान से चाहते थे, वो भी हमको दिलो जान से चाहता था, आज उसने हमें ब्लॉक कर दिया है। सबसे बड़े दुख को न्योता दे दिया है। उस दुख को हम दूर करने के लिए, यानी कि हम अपने पार्टनर से अनब्लॉक कैसे हों, इस क्वेश्चन के लिए हम यूट्यूब पर जाते हैं, गूगल करते हैं, सब जगह पूछते हैं, गिड़गड़ाते हैं, रोते हैं, पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपकी इस प्रॉब्लम का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और जो टिप्स, ट्रिक्स एंड साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगा उनको 100% फॉलो करें, आपका रिजल्ट 101% मिलेगा। जो टाइमिंग बताऊंगा, उस टाइमिंग से पहले ही पहले आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या आपका प्रिय कोई व्यक्ति आपको अनब्लॉक कर देगा। टिप नंबर एक, जब आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर दे, तुरंत क्या करिए, व्हाट्सएप पर जाइए, डीपी को हैप्पी वाली डालिए, चाहे अपनी वॉलपेपर हो, अपना फ़ोटो हो या कोई वॉलपेपर, कोई इससे हैप्पी वाला डालिए। अपनी व्हाट्सएप के अबाउट में जाकर हैप्पी वाली लाइन लिखिए, कोई मोटिवेशन, कुछ भी। अपने सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, वहाँ पर कोई भी सैड शायरी नहीं लिखने की जरूरत है। इसके पीछे रीज़न है फ़र्क पड़ना और ना पड़ने का ऊपर। जब सामने वाले को फ़र्क पड़ता है तो हम ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं उस चीज़ को काम करने को और उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। जैसे अगर आपको ब्लॉक उसने किया है तो अगर तुम सैड हो तो वो ब्लॉक करे रहने देगा, ना कि अनब्लॉक कर देगा। अगर सामने वाला, जैसे उसने ब्लॉक किया और आपको फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, यानी हैप्पी स्टेटस जब वो देखेगा आपकी, तो वो ये समझ लेना कि वो उतना ही ज़्यादा, मतलब उसका कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा कि ब्लॉक करने का, वो कहेगा कि इसने ब्लॉक ही क्यों किया, अनब्लॉक कर दो उसे। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इस चीज़ को समझिए दोस्तों। और ये मैंने रियलाइज किया इस चीज़ को, आप भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, जब सामने वाला बंदा हमें किसी चीज़ चिढ़ाता है और हम चिढ़ते हैं उस चीज़ को, तो हम वो सामने वाला बंदा और ज़्यादा उस चीज़ को करता है। अगर हम चिढ़ते नहीं है तो क्या, आपने देखा होगा, तो वो बंदा उस काम को करना छोड़ देता है। तो फ़र्क पड़ना और ना पड़ना हमारा पहला पॉइंट था। और एक बात याद रखना, जब हमारा पार्टनर हमको ब्लॉक कर देता है, उसी दिन वो रात में या पूरे दिन तो बिजी रहता है, वो खुश रहता है कि चलो एक आफत छूटी मेरे से या छूटा, पर रात में क्या करता है, वो जब शांति में होता है तो तुम्हारे बारे में ज़रूर सोचेगा कि यार मैंने ब्लॉक किया था, वो बंदा खुश है या दुखी है। अगर तुम दुखी होगे तो वो कंटिन्यू रखेगा उस चीज़ को और कभी ब्लॉक नहीं, अनब्लॉक नहीं करेगा। अगर आप बाहर निकले हैप्पी तो वो जल्दी से आपको अनब्लॉक कर देगा, ये फैक्ट है। क्योंकि वो डीपी चेक करेगा सामने तुम्हारी, तुरंत ऐप आउट में जाकर देगा कि तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो बंदा अपने काम को निष्क्रिय कर देगा और अनब्लॉक कर देगा। ये वीडियो वहीं बात करेगी जहाँ पे हाल ही में आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। टिप नंबर टू क्या होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बिलीव योर सेल्फ। म्यूचुअल फ्रेंड या कोई भी फ्रेंड से ढिंढोरा मत पीटना कि हमें ब्लॉक कर दिया है या हमारा ब्रेकअप हो गया है। सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म पर नहीं कहना है आपको। एक फैक्ट है, हम आप सामने वाले को तभी ब्लॉक कर दें दोस्तों जब हमारा उससे कोई मतलब होता है, यानी कि वो हमारा अपना बंदा होता है। जब हम कोई पराए बंदे को कभी ब्लॉक नहीं करते। देखो, आज उसने ब्लॉक किया है तो कभी अनब्लॉक भी करेगा, कभी उसने प्यार किया था तो हमेशा प्यार करेगा। जो बंदा एक बार प्यार कर सकता है वो दोबारा प्यार कर सकता है, ये याद रखना और इस चीज़ को मन में उठा लो। कभी निगेटिव इफेक्ट तो लाना मत, वरना अनब्लॉक कभी नहीं होगे, ठीक है। ये प्रोसीजर 5 दिन का होगा आपके अनब्लॉक का। पहले दिन तो जब आपको ब्लॉक कर देगा वो बंदा, तो क्या करेगा, वो शांति झेलेगा, शांति रखेगा उसके अपने मन में। एक दो दिन वो अपने लाइफ में बिजी रहेगा कि चलो आफत छूटा या छूटी, ठीक है। जब वो शांत आएगा, तुम्हारा भाई प्यार करते थे, तुम चैटिंग करते थे, तुम्हारी याद तो जरूर आएगी कभी ना कभी, तो जब याद आएगी ना तो तुम्हें अनब्लॉक करके जरूर देखा कि तुम कहाँ हो। अगर तुम वहाँ हैप्पी होगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसे और हर्ट होगा। वो हर्ट ये होगा कि यार मैंने उसे ब्लॉक कर दिया तब भी इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये मुझे प्यार ही नहीं करता, ये वो है। बस थोड़ा सा मन में इस टाइम लाएगा, पर वो यानी तुम्हारी, तुमसे बात करने की तमन्ना उसकी डबल बढ़ जाएगी। तो जो मैंने कहा है इस वीडियो में, आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और वीडियो अगर अनकम्फर्टेबल है, आपको बुरी लगी हो या अच्छी ना लगी हो, कोई काम की ना हो, तो लाइक नहीं करके अनलाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंटों को उठाकर आपके सॉल्यूशन ज़रूर बताए जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।